जब सत्ता पचास जो है वो पहले चिल्लाते थे कि ईवीएम हटाया जाए, ईवीएम हटाया जाए। अब जब विपक्ष चिल्ला रहा है कि ईवीएम हटाया जाए, तो सत्ता पक्ष क्यों कह रहा है कि ईवीएम से वोट हो? जनता जो कहेगी, जनता जो मानेगी, अगर शंका है, सुबह है, कोई बात है, तो ईवीएम को हटा दें। और अगर बैलेट पेपर लूट सकता है तो ईवीएम भी लूट सकती है। अगर बैलेट पेपर लूट गया तब भी सरकार फेल, ईवीएम लूट रही है तब भी सरकार फेल। सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को संतुष्ट करें, कि जनता में ये विश्वास पैदा हो कि जो वोट हुआ है वो ईमानदारी से हुआ है। अभी क्या है, पहले जनता जाती थी, गरीब जाते, अब मुख्यमंत्री जेल जा रहा है। तो जब सरकार करेगा तो जाएगा, अरे सरकार बदलेगी तो दूसरा सत्ता सत्ता नहीं 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 सत्ता पक्ष का नहीं विपक्ष का ही मंत्री जाता है। जब जब सरकार बदलेगी तो जो आज मंत्री है वो जेल जाएगा। जब ये प्रॉपर्टी चल रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम राज तो आ ही गया है। राम राज में ईमान का राज होना चाहिए, जनता को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। ईवीएम मशीन को खत्म किया जाए और बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराया जाए, स्वच्छ लोकतंत्र कायम किया जाए, देश में अमन चैन कायम किया जाए। ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, सारी झंझट खत्म। अब एक बार नहीं 10 बार अपनी सरकार बनाइए, बैलेट पेपर से बनाइए। यहाँ बैठे बैठे, हिंदुस्तान की धरती पर बैठे बैठे आप चंद्रमा तक पहुँच जा रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ईवीएम कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है कि कंट्रोल नहीं होगी? हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ मैं अपने आँख से देखा, जिस बूथ पर मैं प्रत्याशी हूँ, वोट डालना है मुझे उस बूथ पर, तो मैं वोट अपने के लिए डालूंगा कि नहीं डालूंगा। और उसी बूथ में हमारी वोट स्वयं नहीं, खुद बीजेपी के खाते में चली गई। हमारा भाई वोट नहीं दे सकता, हमारी बीवी वोट नहीं दे सकती, हमारे परिवार, हमारे समर्थक नहीं वोट दे सकते। हमारी वोट तो हम अपने के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे संसदीय का हो, चाहे लोकसभा या विधानसभा किसी का हो, हम बैलेट पेपर से देना चाहते हैं। क्या पुराने जितने प्रधानमंत्री बनते चले आए बैलेट पेपर से, क्या वो गलत थे? बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के जिला न्यायालय में है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, उसी को लेकर आज हम प्रयागराज के जिला न्यायालय में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान अधिवक्ता हैं, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका क्या विचार है ईवीएम को लेकर। मेरा गवर्नमेंट से या चुनाव आयोग से निवेदन है कि मोबाइल वोटिंग सिस्टम कर दे, कोई ऐप डाउनलोड कर दे जिसे पब्लिक घर बैठे अपने घर से दे, तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बनेगा और पब्लिक को भी आराम मिलेगा। तो ईवीएम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप लोग ईवीएम को बैन पे? नहीं, बैन तो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे त्वरित परिणाम मिलता है और काउंटिंग में भी माना जाएगा कि ईवीएम से जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसका वो होना चाहिए। होना चाहिए वोटर पार्टी भी, मतदान पार्टी भी वापस आने, उससे भी कराया जाए, वो भी पुरानी व्यवस्था थी, रामराज लाया गया तो मतदान प्रणाली वापस लाई जाए, मेरा मानना है लाया जाए भाई ना। रामराज और ईवीएम से क्या ताल्लुकात है कि पुरानी व्यवस्था आई है, पुरानी व्यवस्था मतदान प्रणाली भी लागू होनी चाहिए देश में। मांग हो रही है, लोगों की मांग हो रही है, राम को लोग दर्शन कर रहे हैं, आए है, आशा है, लाए दुनिया चाहे, तो पुरानी व्यवस्था लोग मांग कर रहे हैं, तो सरकार को लाना चाहिए, पुरानी व्यवस्था बहाल करनी चाहिए, मतदान प्रणाली से मतदाता अपना मतदान करे, बैलेट पेपर से करे, मेरा मानना है। जिन जिन राज्यों में, जिन जिन देशों में ईवीएम मशीन द्वारा इलेक्शन कराया गया, वहाँ के देशों ने उस ईवीएम मशीन को बंद कर दिया, बैलेट पेपर से करा रहे हैं और लंबा करके, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कहीं का हो, आप देख रहे हैं कि ये इसलिए कि उसमें मशीनरी गड़बड़ी है। और अभी देख, अब वो इसलिए बंद किया गया है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक, और माना भी है, अभी तमाम देख रहे हैं कि आपके सामने डेमो करके दिखाया जा रहा है कैसे कैसे उसमें हो सकता है, हो रहा है, डेमो किया गया, कोर्ट के सामने भी किया जा रहा है, इससे पहले भी दिखा गया था, हम लोग अभी देख रहे हैं कि दिखाया जा रहा है। और जहां बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में ईवीएम मशीन को बंद कर दिया गया है, भारत जैसे देश में जब लोग प्रश्न उठा रहे हैं, लोग जा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने, जा रहे हैं कि आप 50 मशीन 50 मशीन दे दीजिए, आपके सामने हम दे देते हैं, दिखा देते हैं। अगर चुनाव आयोग को अगर ये डर नहीं है
कि ईवीएम सही है या गलत है, तो करा दें, प्रयोग करा दें, दिखा दें तो लोगों का विश्वास हो जाए। और अब ये बार बार जो प्रयोग करा देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रदर्शन करा रहे हैं, तो जरूर कुछ गड़बड़ी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा गड़बड़ है, जरूर ना कुछ गड़बड़ है। जहाँ गड़बड़ है वहाँ लोकतंत्र खतरे में है। तो आप ईवीएम मशीन को बंद कर दिया जाए, उसको बैलेट पेपर से करा दिया जाए, लोकतंत्र में यही तो मांग हो रही है, चुनाव कराइए। ये मेरा हम लोगों का यही अनुरोध है कि ईवीएम मशीन को ख़त्म किया जाए और बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराया जाए, स्वच्छ लोकतंत्र कायम किया जाए, देश में अमन चैन कायम किया जाए। जी भैया, क्या कुछ बोल रहे थे? कहने का मतलब ये है कि ईवीएम हमारे देश में तो बनी नहीं, विदेश में ईवीएम बनी, और जहाँ बनी वहाँ के लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश में ये हो रहा है कि डिजिटल इंडिया हो रहा है। आप डिजिटल इंडिया किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं? हम अपना नेता चुन रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप तक वोट पहुँचनी चाहिए न। आप नेता हैं तो हमसे वोट की अपेक्षा करते हैं। नेता तो बहुत आए बहुत गए, रही बात है जिसने बनाया वो खुद नहीं स्वीकार कर रहा है तो हम क्यों स्वीकार करें भाई? हमारी क्या जरूरत है? हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप तक वोट पहुंचे। आप नेता बनने के लिए आए हैं, बनिए या ना बनने वाला का विषय है, लेकिन हमारी पसंद आप हैं तो हम आपको वोट देना चाहते हैं। हम बैलेट पेपर से वोट देना चाहते हैं, ईवीएम चाहते ही नहीं है। ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम की कोई जरूरत नहीं है। आप हर तरीके से स्वच्छता की बात करते हैं, एक स्वच्छता ये भी कर लीजिए ना, ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, सारी झंझट खत्म। अब एक बार नहीं 10 बार अपनी सरकार बनाइए, बैलेट पेपर से बनाइए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए ऐसा बस सीधा सा प्रकरण है। हम तो कुछ नहीं चाहते हैं आयोग ने माना है भाई, इलेक्शन कमीशन कहने का मतलब है, इलेक्शन कमीशन कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पूर्णतः जिम्मेदार होता है। आयोग ने इसे मान लिया है तो फिर क्या सरकार की मजबूरी है इसे? अब भाई सरकार की मजबूरी ये है कि अभी हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ मैं अपने आँख से देखा, जिस बूथ पर मैं प्रत्याशी हूँ, वोट डालना है मुझे उस बूथ पर, तो मैं वोट अपने के लिए डालूंगा कि नहीं डालूंगा। और उसी बूथ में हमारी वोट स्वयं नहीं खुद बीजेपी के खाते में चली गई, हमारा भाई वोट नहीं दे सकता, हमारी बीवी वोट नहीं दे सकती, हमारे परिवार हमारे समर्थक नहीं वोट दे सकते। हमारी वोट तो हम अपने के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये प्रमाण है कि नहीं कि ईवीएम से आप चुनाव करा करके? भाई इनकी होती है हर जगह की मीटिंग, कहाँ कितने वोटर ओबीसी के हैं, कहाँ जनरल के हैं, इनके पास डाटा होता है। उस तरह से उस बूथ पर ये सेटिंग करते हैं कि इतनी सेटिंग कर देते हैं, इतना विपक्ष को मिल जाएगा, इतना हमारे प्रत्याशी को मिल जाएगा, घोषित हो जाएगा। अब कहीं मिस्टेक हुआ। अब आप ये बताइए, यहाँ बैठे बैठे हिंदुस्तान की धरती पर बैठे बैठे आप चंद्रमा तक पहुँच जा रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ईवीएम कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है कि कंट्रोल नहीं होगी? मोबाइल से हम अपने घर का पूरा डाटा देख ले रहे हैं यहीं बैठे बैठे। आप ईवीएम तो सभी पार्टी के लिए होता है, उसकी देख रेख हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन उसकी देख रेख हम किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी भी पार्टी से नहीं हैं। हमारे भी तो अधिकार हैं, हर नेता से ज़्यादा, हर अधिकारी से ज़्यादा हमारे पास पावर है, लेकिन हमको हमारे पावर को जो भाई लोग समझते नहीं हैं, हम कह नहीं पाते हैं। आप ये जानते हैं ना, वोट हम देंगे, आप अधिकारी हैं, हम आपको अधिकारी नहीं मानेंगे तो आप हमें कुछ हमारा बिगाड़ लेंगे? हमारा तो कुछ अधिकार है कि नहीं? हम चाहते हैं चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे संसदीय का हो, चाहे लोकसभा या विधानसभा किसी का हो, हम बैलेट पेपर से देना चाहते हैं। क्या पुराने जितने प्रधानमंत्री बनते चले आए बैलेट पेपर से, क्या वो गलत थे? पहले तो बैलगाड़ी में लोग चलते थे ना, तो हम ये चाहते हैं कि एक काम आप कर लीजिए, आप जितना भी कानून डिजिटल का जमाना है, हाँ हमको डिजिटल चाहिए ना, हर डिजिटल भोजन भी मिल जाएगा। अगर अगर सारी बात डिजिटल हो रही है तो भोजन भी डिजिटल हो जाएगा, भोजन भी लोग डिजिटल करेंगे, दाना ऑनलाइन की इस समय व्यवस्था है सरकार की, डिजिटल ऑनलाइन की व्यवस्था जो है भैया, डिजिटल सारी चीजें हो नहीं, पहले बात सुनिए, डिजिटल जहाँ जरूरत है वो सारी चीजें स्वीकार हो रही हैं, सारा काम आप डिजिटल कर दीजिए। एक काम तो कर दीजिए कि ईवीएम हटा दीजिए। भाई वोट अगर हम आपके समर्थक हैं, आपके विरोधी हैं, तो किसी न किसी को देने का अधिकार तो मुझे है, हम किसी न किसी को तो वोट देंगे ना, तो आप ईवीएम हटा दीजिए। आपका आदमी आपको वोट देगा, हमारा हम जिसको देना चाहेंगे हम उसको वोट देंगे, आप हटा दीजिए।
लेकिन आपने तो सारे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिस तरह से जबकि जी क्या कुछ ईवीएम के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं वो इनकी हताशा है कि जबरदस्ती ये लोग जीत रहे हैं। ईवीएम में कोई गलती नहीं, चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज किया था ईवीएम के बारे में, किया कि ईवीएम के बारे में बताओ हम लोग। हाँ खाली, अरे दूसरे के पक्ष नहीं, दूसरे पक्ष ईवीएम की बात हो गई है तो ईवीएम का विरोध खाली वही लोग कर रहे हैं जो विपक्ष से जुड़े हुए, जिनको लग रहा है कि हमारी ईवीएम से हम हार रहे हैं, ईवीएम से हम हार रहे हैं ये नहीं बता रहे। जनता में खुला सर्वेक्षण करवा लें तो भी जीत उसी पार्टी की होगी जो ईवीएम से जीत रही है। अरे यार काहे ने चैलेंज किए, चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज किया था कि ईवीएम को आके चैलेंज करे। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर अधिवक्ता द्वारा इसके खिलाफ सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने सब प्रायोजित है सारे जगह सर बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पास किया था इसी इलेक्शन कमीशन के संबंध में, क्यों कानून में बदलाव करके उस आर्डर को नहीं माने? क्या उस पर कुछ बात आ रही है? बात आखिरकार इलेक्शन कमीशन क्यों चुप बैठा है भाई? वोट देने का अधिकार भी हमारा छीन लेंगे आप हर तरीके से। हम नहीं चाहते हैं ईवीएम से चुनाव करावे ताकि बैलेट पेपर से ले लीजिए। अच्छा ईवीएम ये बताइए, लूटने का तरीका आपने अच्छे तरीके से बदला है। कैसे बदला है कि प्रोग्रामिंग हम वहाँ से करके दे देंगे, आपको रखना है, बाकी लूट करके तो हम लेके चले ही जाएंगे। और जब मौके पर लूटेगा या आप लूटोगे, जब मौके पर बैलेट पेपर लूटेगा तब चुनाव प्रक्रिया भी समझ में आ जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था भी समझ में आ जाएगी और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, किसको कितना वोट मिल रहा है, कौन जीत रहा है और किसका हवा बना हुआ है। हाँ भैया, ऐसा है ईवीएम का जहाँ तक विरोध कर रहे हैं, सॉरी ईवीएम का विरोध जो है केवल पार्टी लोग कर रहे हैं, जनमानस नहीं कर रहा है। इस पर चुनाव आयुक्त का भी जो है खुला हुआ, उसमें बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आईटीएन बुलाए गए थे कि कोई गड़बड़ी हो सकती, उन्होंने कहा कोई गड़बड़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी इवन जो है ये आया कि बिल्कुल सही है ईवीएम। दूसरी बात है, बात करेंगे आप 21वीं और 22वीं सदा की और वोटिंग की काम करेंगे आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात। दूसरा ये है ईवीएम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें लूट की इसमें कोई गड़बड़ी क्यों नहीं है। पहले क्या था, जब बैलेट पेपर से होता था या तो उस पर दो कलम लगा देते थे या कहीं स्याही डाल देते थे या पानी डाल देते थे, पूरा इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था ध्वस्त हो जाती थी, उससे जनता की पैसे का दुरुपयोग होता था, पुनः चुनाव होता था। आज ईवीएम और एक मिनट और पता लगा, और उसके आगे भी देखिए, गणना 4 दिन तक चलती थी, 5 दिन तक था, उसमें कितने कर्मचारियों को छुट्टी लेना पड़ता था, राजस्व की हान। और आज क्या है 4 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, इसलिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। दूसरी बात यह है मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अभी अयोध्या के विषय में बात हुई राम मंदिर पर, देखिए जनता और जो निष्पक्ष काम है, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब जनता जिसको नकारती है ईवीएम को लेकर। देखिए भाई, ईवीएम का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो वो तो ईवीएम का बड़ा इस्तकबाल करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए। और जब वही पार्टी जब सत्ता पचास जो है वो पहले चिल्लाती थी कि ईवीएम हटाया जाए, ईवीएम हटाया जाए। अब जब विपक्ष चिल्ला रहा है कि ईवीएम हटाया जाए, तो सत्ता पक्ष क्यों कह रहा है कि ईवीएम से वोट हो? जनता जो कहेगी, जनता जो मानेगी, अगर शंका है, सुबह है, कोई बात है तो ईवीएम को हटा दें। और अगर बैलेट पेट पर लूट सकता है तो ईवीएम भी लूट सकती है। अगर दोनों चीज़ लूट सकती है तो फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है, डकैती हो गई, चोरी हो गई, मर्डर हो गई, अदालत से मुलजिम छूट गया, किसने मारा पता नहीं। इससे साबित है कि सरकार फेल। अगर बैलेट पेपर लूट गया तब भी सरकार फेल, ईवीएम लूट रही है तब भी सरकार फेल। सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को संतुष्ट करें, कि जनता में ये विश्वास पैदा हो कि जो वोट हुआ है वो ईमानदारी से हुआ है। अभी क्या है, पहले जनता जाती थी, गरीब जाते, अब मुख्यमंत्री जेल जा रहा है। तो जब सरकार तो जाएगा, अरे सरकार बदलेगी तो दूसरा सत्ता पक्ष का नहीं विपक्ष का ही मंत्री जाता है।
जब जब सरकार बदलेगी तो जो आज मंत्री है वो जेल जाएगा। जब ये प्रॉपर्टी चल रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम राज तो आ ही गया है। राम राज में ईमान का राज होना चाहिए। जनता को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है, जनता को विश्वास में लेना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जनता के एडमिनिस्ट्रेशन पे जनता का विश्वास हट गया तो चाहे ईवीएम से वोट हो और चाहे बैलेट पेपर से वोट हो, बेईमान लोग बेईमानी करा लेंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक।